तुलसीदास जी जो कि कवि समाज के सबसे प्रख कवियों में से एक थे, कवि तुलसीदास जी ने अपने लोकप्रिय कृति रामचरितमानस में राम के रूप में हमें एक ऐसा दर्पण दिया जिससे सम्मुख रहकर हम अपने गुणों अवगुणों का मूल्यांकन करें, अपनी मर्यादा करुणा दया शौर्य साहस और त्याग को आंक कर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। संत कवि तुलसीदास का पूरा जीवन ही राममय रहा। वे सार्वभौम या जन जन के कवि थे क्योंकि उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस के जरिए श्री राम को जन जन के राम बना दिया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी की कुछ और प्रमुख रचनाएं थी जिसमें गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामायण, बारहवें रामायण, रामलला न छू, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी जैसी कई आध्यात्म कृतियां तुलसीदास जी ने लिखी। लेकिन आज हम आपको तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ, बता दें आपको, तुलसीदास जी के बारे में अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित है कि जन्म लेने पर तुलसीदास जी जो थे वो रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द का धारण किया था और उनके मुख में 32 दांत पहले से ही मौजूद थे। तुलसीदास जी ने जब रामचरित्र मानस की रचना की तो उस समय संस्कृत भाषा का प्रभाव था, इसीलिए आंचलिक भाषा में होने के कारण श्री रामचरित्र मानस को शुरू में मान्यता नहीं मिली, जबकि वो जन जन में खूब लोकप्रिय हुआ। तुलसीदास जी ने अपने कृतित्व में सभी संप्रदायों के प्रति दृष्टिकोण बनाकर हिंदू समाज को एकता के सूत्र में भी बांधने का काम किया था। जी हाँ, ये तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें थी जो आम तौर पर हर कोई नहीं जानता है। इसी तरह ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।